Pasek, you may call me Prince from Law Faculty DU. Today I would like to discuss a landmark case of constitutional law which is mentioned in our case mat. Union of India versus Sukumar Sen Gupta, ये 1990 का केस है और ये जो केस है वो 3 बीघा ज़मीन जो भारत के टेरिटरी का है उस पर फोकस्ड है और साथ ही साथ इंडियन सॉवरेंटी पे भी फोकस्ड है। अब इस केस के फैक्ट इशू और जजमेंट पे आते हैं। इस केस के फैक्ट पे आने से पहले आपको एक बार बता दूँ तो कि जैसा कि आपको पता होगा कि इनरे बेरुबारी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स जो 1960 का जो केस था उसमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके तहत इंडिया अपनी कुछ टेरिटरी पाकिस्तान को देता और पाकिस्तान अपनी कुछ टेरिटरी जो है वो इंडिया को देता इस एग्रीमेंट के तहत। तो इस एग्रीमेंट को इन्फोर्स करने के लिए 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था जो बेरुबारी यूनियन से रिलेटेड था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान का नेचर कैसा है, तो पाकिस्तान के नेचर के कारण ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ इनक्लेव्स वो इन्फोर्स नहीं हो पाया, जिसके वजह से दोहा ग्राम और अंगारपोटा ये जो दो एरिया है वो ईस्ट पाकिस्तान के टेरिटरी में ही रह गई। उसके बाद 1971 में आप जानते हो कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से आज़ाद हुआ और जो ईस्ट पाकिस्तान है वो बांग्लादेश कहलाया। तो अब ये जो दाहा ग्राम और अंगारपोटा का जो इनक्लेव्स था वो बांग्लादेश के टेरिटरी में पड़ता था। तो दिक्कत ये थी कि ये जो दो एरिया दाहा ग्राम और अंगारपोटा है वो था तो बांग्लादेश के एरिया में, लेकिन उस एरिया में जाने के लिए इंडियन टेरिटरी से होके गुजरना पड़ता था। तो चूंकि इंडियन टेरिटरी से होके गुजरना पड़ता था तो उसके लिए यानी कि बांग्लादेश को अपने इस दो एरिया तक पहुंचने के लिए इंडियन टेरिटरी से होके गुजरना पड़ता, इसलिए बांग्लादेश ने इंडिया से दो अग्रीमेंट किए 1974 और 1982 को, जिसके तहत इंडिया ने बांग्लादेश को लिमिटेड राइट दिए दाहा ग्राम और अंगारपोटा तक जाने के लिए। अब वो जो जाने का जो रास्ता था वो भारत के 3 बीघा ज़मीन से होते हुए जाता था, यानी कि भारत का एक एरिया है 3 बीघा ज़मीन, तो 3 बीघा ज़मीन से होते हुए दाहा ग्राम और अंगारपोटा बांग्लादेश जा सकते थे लिमिटेड राइट के तहत, ज़्यादा राइट नहीं दिया था भारत ने। अब इशू ये है कि जब 1974 और 1982 का जो एग्रीमेंट हुआ है जिसके तहत इंडिया ने बांग्लादेश को लिमिटेड राइट दिए हैं, तो इसी को कोर्ट में जो है चैलेंज कर दिया गया इस ग्राउंड पे कि इस एग्रीमेंट से इंडिया की सॉवरेंटी पर खतरा है। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन और डिसीजन देखते हैं। कोर्ट कहती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एग्रीमेंट विथ बांग्लादेश डिड नॉट इन्वॉल्व सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी, यानी कि अगर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये एग्रीमेंट का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उससे इंडिया की सॉवरेंटी या फिर पर कोई ख़तरा नहीं है, और साथ साथ इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि इंडिया ने ये जो एरिया जिस एरिया से होकर बांग्लादेश जा रहे हैं वो एरिया बांग्लादेश को ही दे दिया है। उन्होंने सिर्फ जाने का रास्ता दिया है, टेरिटरी नहीं दिया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ये कहती है एग्रीमेंट डिड नॉट अमाउंट टू लीज और सरेंडर ऑफ सॉवरेंटी ओवर द सेड एरिया। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ये भी कहती है कि ये जो एग्रीमेंट है उसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया ने बांग्लादेश के सामने में अपनी सॉवरेंटी को सरेंडर कर दिया है। ये ध्यान देने वाली बात है कि जो भी एग्रीमेंट बनती है वो दोनों ही पार्टी के इच्छा के अनुसार ही बनती है। तो अगर इंडिया ने बांग्लादेश के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है 1974 और 1982 में, तो इंडिया ने अपनी सहमति के साथ बांग्लादेश को अपने टेरिटरी में जाने की अनुमति दी है। इसलिए चूंकि इसमें इंडिया की सहमति इन्वॉल्व है इसलिए सॉवरेंटी पर कोई ख़तरा नहीं है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ये भी कहती है कि ये जो एक्शन है यानी कि 1974 और 1982 के एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने का जो एक्शन है वो एग्जीक्यूटिव एक्शन से ही पूरा हो सकता है, उसके लिए पार्लियामेंट्री लॉ या फिर पार्लियामेंट्री एक्ट या फिर पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट लाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन से नोटिफिकेशन के माध्यम से ये इस एग्रीमेंट को इन्फोर्स कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।